कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उसने मुल्क को वैक्सीन लीडर से टीका भिखारी बनाकर छोड़ दिया। ये इल्जाम कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने आयद किया और कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच करने की जगह हुकूमत लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में खतरनाक हो चुके कोरोना बहरान में हुकूमत ने वबा से मुतासर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने वर्चुअल जरिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब सिर्फ बयानबाजी थी। रियासत और आम लोग वज़ीर आज़म से राहत के ऐलान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह पीएम की 18 मिनट की तकरीर ने सभी को मायूस किया। कोई हिदायत नहीं थी, गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी और वबा से मुतासर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया।